नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिलन और हिलबॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा हेलोनिक्स का जो रेडर बल्ब आया है उसके बारे में। एक न्यू जनरेशन का बल्ब है। इसका टेक्नोलॉजी ये है कि अगर आप घर में रहेंगे तो ये बल्ब जलेगा, अगर आप घर से बाहर निकल जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये बल्ब बंद हो जाएगा। इसमें एक सेंसर लगा हुआ है और इसका खासियत और भी खासियत है कि ये बल्ब दिन के उजाले में नहीं जलेगा, मतलब अंधेरा होते ही ये बल्ब ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर देगा। और ये 20 फीट, यहाँ पर 15 फीट लिखा है लेकिन 20 से 30 फीट रेंज तक ये काम करता है। तो मतलब अगर आप उस रेंज में आएंगे तो बल्ब ऑटोमेटिक जल जाएगा और जितना देर तक आप घर में रहेंगे उतना देर तक बल्ब बंद नहीं होगा। उसके बाद जैसे ही आप घर से निकल जाएंगे तो एक मिनट बाद ये बल्ब जो है ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। इसका बल्ब मेरे पास है, इसका डेमो टेस्ट इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कैसे ये काम करता है। और इसका जो प्राइस है वो प्राइस बहुत ही कम है, 299 रुपीज है। इसको आप अमेजोन से परचेस कर सकते हो। उसका जो परचेस करने का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से लिंक में क्लिक करके आप इस बल्ब को परचेस कर सकते हो। तो कहाँ का इस बल्ब आप लगा सकते हो, मतलब जिस जगह पर ज्यादा बल्ब का जरूरत नहीं होता है, कुछ कम टाइम के लिए जरूरत, जैसे सीढ़ी में यूज कर सकते हो आप, उसके बाद बाथरूम में, बैल्कोनी में, जैसे बल्ब बंद करना भूल जाते हैं। सीढ़ी में सबसे अच्छा है कि 2-way स्विच लगाना पड़ता है, हर बार बंद या चालू करना पड़ता है, तो ऐसे जगह पर आप इस बल्ब को उपयोग कर सकते हैं। तो ये ब्रांडेड हेलोनिक्स कंपनी का 10 वाट का बल्ब मेरे पास है और ये आप बल्ब देख सकते हैं 10 वाट का। इसका जो नाम है रेडर बल्ब है। तो इसको इसके लिए मैं डेमो के लिए आपको 2 बल्ब लाया हूँ। ये है रेडर बल्ब और ये प्लेन जो एलईडी बल्ब होता है वो है। तो सबसे पहले मैं इस बल्ब को भी यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ। देखिए सेम बोर्ड से कनेक्टेड है आपको दिखाने के लिए। उसके बाद मैं इसको भी कनेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इस जो बल्ब है, जो मेरा कैमरा का मेन बल्ब है, उसको मैं बंद कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो ऐसे मैंने इसको ऑन किया, ठीक है। तो और उसके बाद मैं कैमरा दोनों बल्ब को ऑन कर दे रहा हूँ, इस बल्ब को भी, और यहाँ पर जो मेन मेरा रेडर बल्ब है तो उसको भी मैं ऑन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद इस कैमरा का बल्ब को मैं बंद कर रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद मैं इसको फिर से ऑन ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए बल्ब जल गया, मतलब ये दिन के उजाले में नहीं जलता है, लेकिन उधर उजाला नहीं है ज्यादा, तो इसीलिए बल्ब जला है और दोनों बल्ब देखिए जल रहे हैं। और एक मिनट बाद ये बल्ब जो है ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो एक मिनट तक हम लोग वेट करेंगे देखने के लिए बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए मेरा बोर्ड में दूसरा कुछ कनेक्शन यहाँ पर नहीं है, आप देख सकते हैं। तो वेट कर लेते एक मिनट और देखिए ऑटोमेटिक बल्ब बंद हो जाएगा। उसके बाद जब सामने कुछ इसका हलचल होगा तो मतलब मैं हाथ लेके जाऊंगा सामने, देखिए बल्ब ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। और ये सेम बोर्ड से दोनों बल्ब कनेक्टेड है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वायर है ये, तो हम लोग थोड़ी देर वेट कर लेते हैं यहाँ पर। और ये जो बल्ब है मैंने अभी 10-15 दिन से उपयोग कर रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर। उसके बाद देखिए बल्ब बंद हो गया। अभी यहाँ पर देखिए मेरा हाथ है, तो हाथ में यहाँ पर आपको दिखाने के लिए सामने लेके जाऊंगा, ठीक है। देखिए हाथ लेके जा रहा हूँ यहाँ पर, तो हाथ जैसे सामने गया मेरा तो बल्ब ऑन हो गया और बहुत ही ज्यादा एरिया तक ये काम करता है। फिर से एक मिनट बाद ये बल्ब बंद हो जाएगा, जब भी आप कुछ सामने हलचल होगा तो चालू हो जाता है। इस हलचल सिर्फ हाथ सामने लेके जाने के लिए ये 20 से 30 फीट का 360 डिग्री एंगल में काम करता है, 360 डिग्री नहीं एक्चुअली 180 डिग्री एंगल में काम करता है और बहुत अच्छा है। इस बल्ब का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से परचेस कर सकते हैं। तो इस तरह का हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल का बटन उसको भी प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे कुछ नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।